सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय में व्याकरण पढ़ाऊंगी। व्याकरण में आज का प्रकरण है पर्यायवाची शब्द। आज मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगी। आपकी पुस्तक का नाम अतुल्य भाग 6 है। ठीक है बच्चों, तो पर्यायवाची शब्द पढ़ाना शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थ प्रदान करते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। मतलब एक शब्द का एक दूसरे से मिलता जुलता अर्थ हो, वो समानार्थी या पर्यायवाची कहलाता है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ध्यान रहे कि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, पर वे बिल्कुल एक समान नहीं होते। सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते, उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा, जैसे पानी और जल। गंगा का जल होता है पानी नहीं। ठीक है बच्चों, हम ये नहीं कहते कि गंगा पानी ले आओ, हम क्या कहते हैं, गंगा का जल, गंगा जल ले आओ। नाली के पानी को जल नहीं कहा जा सकता। अंतर आपको समझ में आ गया। पितरों का तर्पण जल से किया जाता है, पानी से नहीं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों कि पर्यायवाची शब्द का किस प्रकार से प्रयोग होता है। अब आपके बुक में देखिए लिखा हुआ, बच्चों हमने ऊपर दिए गए शब्दों के कई नाम जाने, नभचर, खग, चिड़िया, पक्षी, विहग। ये किसकी पर्यायवाची है? पक्षी की। पक्षी देखिए चित्र में बना हुआ है। इसी प्रकार से तरणी मतलब नौका, तरी, नौका, पोत, तरणी, नाव, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आपके चित्र में बना हुआ चंद्रमा, इसकी पर्यायवाची इंदु, राकेश, शशि, चांद, चंद्रमा। तो अब हम यह समझ सकते हैं कि एक ही प्राणी, वस्तु, स्थान आदि को हम कई नामों से पुकार सकते हैं। इनके अर्थ में हमें समानता दिखाई देती है, किंतु इन शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म भिन्नता होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत छोटा सा अंतर होता है। एक उदाहरण भी मैंने दिया, गंगा जल, गंगा पानी। हम गंगा जल बोलते हैं, गंगा का पानी नहीं बोलते हैं। हम नाली में पानी बह रहा है बोलते हैं, नाली में जल बह रहा है नहीं बोलते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग संदर्भ के अनुसार किया जाता है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में उन्हीं पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो वाक्य में शुद्धता बनाए रखें, जो वाक्य को सही रखें। जैसे अंबर में पक्षी उड़ रहे हैं, अंबर माने आकाश, आसमान, लेकिन अंबर में पक्षी उड़ रहे हैं ये वाक्य गलत है। इसका शुद्ध है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। इसी प्रकार से माँ ने दिवाली के लिए नए चीर खरीदे। चीर मतलब होता है वस्त्र, कपड़े, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? माँ ने दिवाली के लिए नए कपड़े खरीदे। गोरस की खीर बनाओ, गोरस दूध को कहते हैं, गोरस, लेकिन हम गोरस की खीर बनाने को नहीं बोलते, हम कहते हैं दूध की खीर बनाओ, तो ये शुद्ध है। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। कुछ पर्यायवाची शब्द आपके पुस्तक में दिए गए हैं, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला है उद्यान, उद्यान के उपवन, वाटिका, फुलवारी, बगीचा, बाग। दूसरा है बंदर, वानर, मरकट, कपि, हरत, ये पर्यायवाची शब्द हम पढ़ रहे हैं बच्चों। धन का पर्यायवाची शब्द दौलत, द्रव्य, अर्थ, मुद्रा, लक्ष्मी, श्री। चौथा समुद्र, वारिधि, पयोधि, सागर, सिंधु, जलधि। पांचवा है विष्णु, माधव, नारायण, पीताम्बर, कमलापति, लक्ष्मीपति। सातवा है आनंद का, आनंद की पर्यायवाची हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, आह्लाद। शंकर, महेश्वर, महादेव, कैलाशपति, शिव, त्रिलोचन, भूतनाथ। हाथी, गज, हस्ती, कुंभी, कुंजर, मतंग, दंती। गणेश, विनायक, लंबोदर, गजानन, गणपति, गजवदन, एकदंत। आसमान,
गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, व्योम, अनंत। कामदेव रतिपति मनसिज पंचशर अनंग मनोज मदन। राक्षस रजनीचर निशाचर असुर दानव दैत्य। सेना दल फौज अनि कटक वाहिनी। रावण लंकेश दशग्रीव दशानन दशकंध दशकंठ। सरस्वती भाषा वाणी भारती बागेश्वरी शारदा इला। कमल पंकज वारिद नलिन राजीव जलज। अमृत सोम पीयूष अमी सुधा सुधारस। गंगा देवनदी भागीरथी सुरसरिता अलकनंदा मंदाकिनी। पार्वती शिवा भवानी रुद्राणी दुर्गा उमा। शोभा विभा प्रभा छटा आभा कांति सुषमा। तलवार करवाल शमशीर खटग असि चंद्रहास। कोयल श्याम पिक कोकिला वसंतदूत बासंत। ईश्वर जगदीश परमेश्वर दीनबंधु परमात्मा प्रभु जगन्नाथ। गरीब दरिद्र निर्धन कंगाल दीन भुखर। वायु समीर हवा अनिल वाह वात व्यान सूक। आम सहाकर आम्र रसाल अमृतफल प्रियंबु पिकबंध। सर्प विषधर सांप भुजंग नाग व्याल अहि। इच्छा मनोरथ आकांक्षा कामना उत्कंठा। चंदन मलयज गंधसर पावन श्रीखंड। काक काग कौवा वायस द्रोण एकाक्ष। शरीर बदन अंग काया देह तन जिस्म। कन्हैया केशव गोपाल गिरिधर मुरारी बनवारी कृष्ण। पत्नी भार्या वधु बहु गृहिणी कलत प्राणप्रिय। रात निशा रात्रि रजनी रैन विभावरी क्षणदा यामिनी। सम्राट राजा रंक नृप महीप भूप नरेश नरपति महीपति। स्वान श्वा कुत्ता सारमे कुकुर शुनक। कुम्हार कुलाल घटक घटकार घटकर्ता कुंभकार चक्री। आग अनल दहन पावक अग्नि हुताशन कृषान धनंजय। बच्चों ये हमने आपको इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द पढ़ा दिए हैं। पर्यायवाची शब्द के बारे में हमें आपको बताया कि पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थ प्रदान करते हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने पर्यायवाची शब्दों को लिखने के लिए दिया है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुत्र का बेटा है। इसके बाद आपको पर्वत पृथ्वी रात सर्प वृक्ष समुद्र पक्षी के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न मैंने दिया है कि इनमें गलत पर्यायवाची शब्दों पर गलत का चिन्ह लगाइए। हाथी है, इसमें तीन विकल्प दिए गए गज हस्ती श्वान। तो जो इसमें गलत हो उस पर आप पे गलत का चिन्ह लगाना है। दूसरा है गणेश गणपति अनंग गजानन। इनमें जो गलत हो उस पर आपको गलत का चिन्ह लगाना है। रावण मनोज दशग्रीव दशानन। चंदन मलयज बदन श्रीखंड। इनमें से भी कोई एक गलत होगा जिसपे आपको गलत का चिन्ह लगाना है। कुम्हार घटक रंग कुंभकार। तो जो इनमें गलत हो उस पर आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो इस प्रकार से आपको पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।